नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। वीडियो तो रोज आ रहे हैं पर मैं ही आपसे मिलने नहीं आ पाई। त्योहार है, कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने हैं तो टाइम तो लगता है। आज भी मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत लो बजट में तैयार हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की आर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मीडियम थिकनेस का कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने झरोखा डिजाइन बनाया है और उसे मैंने कट कर लिया है। उसके अंदर एक छोटा सा झरोखा और बनाया है और उसे भी कट कर लेंगे। जब मैंने ये कट कर लिया तो ये मुझे अब एक खिड़की की तरह दिख रहा है और हमें इस तरह के 6 से 7 पीस चाहिए। अब इन्हें चारों तरफ से मैंने मास्किंग टेप लगाकर किनारियों को कवर कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ग्लू लगाकर न्यूज पेपर भी लगा सकते हैं। और सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर किया है और व्हाइट कलर करने के बाद अब करेंगे अपने मनपसंद कलर। फ्रेंड्स, कलर कौन से करने चाहिए, कलर कैसे लेने चाहिए, इन सब का पूरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर दी हुई है। आज मैंने जो कलर यूज किए हैं वो एक्रिलिक कलर हैं। कुछ एक दो कलर मेरे पास नहीं थे तो वहाँ मैंने चौक पेंट भी यूज किया है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो। सारे कलर हो जाने के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी को मैंने डिफरेंट कलर में तैयार किया है। आप देख सकते हैं सारे कलर होने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और आज मैंने कलर करने के बाद बर्निश की है, क्योंकि बर्निश करने से एक तो शाइनिंग आ जाती है, दूसरे हमारे कलर भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कभी कोई पानी वानी गिरता है तो उससे वो खराब नहीं होता। और कलर भी हो गया, बर्निश भी हो गई। अब हम लगाएंगे मिरर। तो यहाँ जो भी मिरर आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। आप मिरर की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कुंदन है, पोमपोम है या फिर लेस है। जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं मिरर लगा रही हूँ। सब में 2-3 तरह के मैंने मिरर लगाए हैं। और सारे मिरर लगाने के बाद जब ये मिरर फिनिश हो गए तब मैंने व्हाइट डॉट भी रखी है। व्हाइट डॉट लगाने के बाद झरोखे बनकर तैयार हो गए हैं। पर इनको और अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं घुंघरू, और घुंघरुओं को मैंने एक धागे के अंदर डाला है। उसके अंदर नॉट लगाकर इस तरीके से पीछे की साइड मैंने चिपका दिया है। पहले ग्लू लगाया, ऊपर से उस धागे को लगा दिया है, और पक्का करने के लिए मैंने इसके ऊपर टेप भी लगा दिया है, जिससे कि ये काफी मजबूती से लग गए हैं। और हमने जो छोटा सा झरोखा बनाया है उसके अंदर मैंने ये हैंगिंग स्टोन है मेरे पास में, वो मैंने लगाए हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा पर्ल भी डाला है। उसी तरीके से लगाया है जैसे कि हमने घुंघरू लगाए थे। आप चाहें तो इसकी जगह छोटे छोटे रेट आते हैं, या फिर आप पॉम्पम है, या फिर आप सिर्फ पर्ल भी लगा सकते हैं। जो आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से करने के बाद मैंने अपने पूरे 7 झरोखों को तैयार कर लिया है। ये देखिए 7 मेरे तैयार हो गए। इनको मैं एक साइड से रख रही हूँ। और इसके बाद मैंने लिया है ये एक प्लेन कॉटन पीस है। आप इसकी जगह कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, प्रिंटेड भी ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा अस्तर डालना है तो आप बुकरम डाल सकते हैं या फिर कोई भी थिक कपड़ा डाल सकते हैं। जो मैंने प्लेन कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 36 से 37 इंच। और इस कपड़े को मैंने सिल लिया है और उसके ऊपर मैंने ये लेस भी लगा दी है। लेस लगाने के बाद पूरी बेल्ट बनकर तैयार हो गई। और इनके ऊपर फिर मैंने जो झरोखे तैयार किए हैं उनको मैंने ग्लूगन से स्टिक कर दिया है। ग्लूगन से स्टिक हो जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए बहुत सुंदर लग रही है। जो मेरी लेस है उसके अंदर एक ऐसा डिजाइन है जहाँ ऊपर बॉल बनी हुई है, तो वहाँ मैंने मिरर लगा दिए हैं। और अगर आप प्लेन कपड़े भी मिरर लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो ये तो मेरे सारे पीस तैयार हो गए, पर मैंने जो यहाँ पर झरोखे काटे थे उनके छोटे छोटे पीस निकले थे, उन्हीं पीस को तैयार करके वही कलर करके सिर्फ बीच में एक डायमंड मिरर लगाया है, चारों तरफ डॉट रखी है। और ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे पीस बन के तैयार हो गए, और इन्हीं को मैंने स्टिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। जो छोटे पीस की कटिंग निकलती है उनको भी हम बहुत खूबसूरती से यूज कर सकते हैं। तो आज की हमारी तोरण बनकर तैयार है, बहुत जल्दी और बहुत कम बजट में ये बनकर तैयार हुई है। चलिए हैंग करके देख लेते हैं कैसी लग रही है। फ्रेंड्स ये सारे झरोखे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको यहाँ तक का मेरा वीडियो पसंद आया है, ये झरोखे की टेक्निक आपको पसंद आई है, ये झरोखे बने हुए तैयार आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हैंग करने के लिए मैंने ये टी हुक लगाए हैं। ये मैंने आज 4 से 5 लगा दिए हैं फ्रेंड्स, इसलिए लगाए हैं
कि अगर हम छोटी छोटी सी कीलों पर इनको लगा देते हैं तो हमारी जो तोरण है बहुत सीधी और बहुत अच्छी लगी रहती है। तीन हुक तो कम से कम लगाना ही लगाना है, और आप चाहें तो तीन हुक लगाकर भी अपनी तोरण को हैंग कर सकते हैं। तो देखा आपने झरोखा बंधनवार कितना सुंदर लग रहा है, अपने आप में यूनिक है। ये डिजाइन मैंने जब आपने कैंडल स्टैंड को पसंद किया उसके बाद मुझे लगा कि चलो एक बंधनवार और बनाते। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय। इसकी आवाज भी बहुत प्यारी है।